subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आज हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार आज़ादी की, तकरीर की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हक बात करने की आज़ादी किस हद तक दी जाती है, आईने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहां तक की इजाज़त देता है और इंस्टीट्यूशन आपको कहां तक रोकता है। ये आज बड़ा अहम मसला है और इससे बढ़कर जो बड़ा मसला वो ये है कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ पर एक हमें पहाड़ मुसीबतों का झेलना पड़ता है, लेकिन साथ साथ जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं, ओवरसीज होते हैं, तब भी हमें खतरात लाहक होते हैं। ये सब क्यों होता है, आज इस पर छोटी सी एक डिबेट, एक डिस्कशन रखी है। हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमें टोरंटो से सलमान हैदर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ लिखारी हैं, शायर हैं, और हमारे होस्ट प्रोड्यूसर और ओनर ऑफ टैग टीवी और गुलाल इस्माइल, एक और बेबाक आवाज़ जिन्होंने मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। आप सबको खुशामदीद। ताहिर भाई, आज का मौजू आपने देखा है कि जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, एग्जाइल में जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा और जो वहाँ रहते हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, तो ये कहाँ जाके कहानी ख़त्म होगी और इसके पीछे क्या हो रहा है सब कुछ? देखिए अनीस भाई, जब आप तारीफ शुरू करा रहे थे आज की गुफ्तगू का, तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान से बाहर जो हम बसने वाले हैं इनका जिक्र मैं करूंगा, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने खुद ही इस बात को लड़ी में परो दिया। ये एक वाकई ही बहुत ही गंभीर मसला है कि अगर यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, यूरोप में रहते हुए हम जो थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करने वाले लोग हैं अपने आप को महफूज नहीं समझते, तो सवाल ये कि किन से गैर महफूज समझते हैं। जाहिर है वही जो जिस बैकग्राउंड से हम यहाँ पे आए हैं तो उन्हीं से गैर महफूज समझते हैं, उनका यहाँ कानून तो कोई नहीं चलता, फिर क्यों हम गैर महफूज हैं जी? तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक माइंडसेट है जो साथ कैरी कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे कानून का मसला नहीं है, उस माइंडसेट का मसला है जिसको हम सबको फेस करना पड़ रहा है, और उसी माइंडसेट की वजह से हम गुलाल अली इस्माइल जैसी बहादुर बच्चियों को देखते हैं कि न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में इनके साथ बदतमीजी होती है। आप, मैं, सलमान हैदर यहाँ कनाडा में रहते हैं, लोग हमारे लिए सोशल मीडिया पे किस तरह की बदतमीजाना जुबान लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम महफूज नहीं है, तो फिर हम कहाँ पे महफूज होंगे? ये वो सवाल है जो सवाल भी है और अपने तौर पे कंसर्न भी है जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आपने अभी गुलाल अली का जिक्र किया, तो गुलाल अली को तो बाहर न्यूयॉर्क में तो पानी करना पड़ा होगा जो कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सामना करना पड़ा, जेर जमीन अंडरग्राउंड रहना पड़ा। एक खातून को अपने ही मुल्क में, अपनी ही रियासत से, अपनी माँ से, जो कि माँ जैसी होती है, उससे डर के रहना पड़ा। तो इससे ज़्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल होगी? मैं गुलाल अली की तरफ जाऊँगा डायरेक्ट और उनसे पूछूंगा कि बाहर की बात तो छोड़ें, जो अंदर के मामलात हैं वो तो हमारे, वो बहुत ज़्यादा दगड़गूँ और ख़राब। बिल्कुल, ख़ासकर पाकिस्तान में इस वक्त जब हम यहाँ पर इज़हार राय की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम डेटा और स्टेटिस्टिक्स की तरफ जब ख़ासकर देखते हैं, तो पाकिस्तान पहले जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 मुल्कों में से पाकिस्तान का नंबर 143 के ऊपर था, इस साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 2 दर्जे और गिर गया है और अब वो 145 के ऊपर चला गया है। तो ये इसके अलावा इस्लामाबाद जैसा शहर जो है, मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, मीडिया कोई मॉनिटर तो उनकी रिपोर्ट देख रही थी, उसमें बता रहे हैं कि जर्नलिस्टों के लिए, सहाफियों के लिए, फिर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जिसको हम सबसे महफूज शहर समझते हैं, वही सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है। वहां पर एक तरफ हमने देखा कि जहां पर सहाफियों तक को कत्ल किया गया, पिछले 7 साल में 7 सहाफियों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह से हमने साजिद हुसैन भाई उनका केस देखा कि कैसे उन्हें, वो अपने मुल्क से चले जाते क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के अंदर उनको जान का खतरा महसूस होता है, बेटी के लिए खत तक छोड़ के जाते हैं जब निकलते हैं, क्योंकि वो कितने दुख की बात है ना कि जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनको ये वो नहीं जानते कि वो मुल्क बहिफाजत कभी किसी और मुल्क पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और इसलिए वो बेटी के लिए खत लिख के छोड़ के जाते हैं। फिर जब वो स्वीडन पहुंचते हैं, जहां पर उनको लगता है कि एक महफूज मुल्क है, ये मुल्क मुझे पनाह देगा,
تو وہاں وہیں پر وہ غائب اسی طرح غائب کر دیے جاتے ہیں اور اسی طرح قتل کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر کیے جاتے ہیں. یہ بڑا المناک ہے. سلمان بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ زیادہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وقاص گورایا کو کیسے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا, باقاعدہ جسمانی حملہ ان کے اوپر کیا گیا, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہم جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں, میں وقتاً فوقتاً دھمکیاں دی گئی ہیں باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ تم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو گے, باہر رہتے ہو تو تم لوگ محفوظ ہو, کسی کالے کو ہم لوگ $1,000 دیں گے, کوئی تم لوگ کو $1,000 کے بدلے میں قتل کر دے گا. تو مسلسل ایک دھمکیاں. پھر جیسے میں اگر شخصی ذاتی بات کی جائے تو ہمارے دوستوں نے دیکھا, پی ٹی ایم کے دوستوں نے, کہ کیسے جب ایک دفعہ ہم پاکستان کونسلیٹ کے سامنے نیو یارک میں مظاہرہ کر رہے تھے تو باقاعدہ سے لوگ نکلے, ایمبیسی ان کے ہاتھ میں چاٹ تھے اور وہاں پر پاکستان ایمبیسی کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر وہ گالیاں دیتے رہے, وہ ہراس کرتے رہے. تو اور یہ تو خیر میں کہوں کہ چھوٹی باتیں, اگر ہم بڑے بڑی تصویر میں بڑی تصویر کو دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, تو بڑی تصویر اس وقت یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر مکمل قدغن ہے, اظہار رائے کے اوپر قدغن ہے. ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ, جو اچھے جرنلسٹ تھے, جو کھلی بات کرتے تھے, ان کو نکالا جا چکا ہے ان کے ٹی وی چینلز کے ذریعے. ٹی وی چینلز کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں, ان کو کیمرا سے نوٹس مل جاتا ہے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں. اگر پشتون تحفظ موومنٹ کی میں بات کروں, جس کے ساتھ میں نے ہمیشہ بڑا سپورٹ کیا, تو ہمیں تو کسی قسم کی کوریج بھی نہیں ملتی میڈیا کے اوپر. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سے کسی کو میڈیا پر لے, ہماری بات کرے, ہم سے سوال پوچھے. ہمارے بارے میں بات کی جاتی ہے, ہم سے بات نہیں کی جاتی, اور ہمارے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ صرف ریاستی بیانیہ ہوتا ہے. ریاست کی مرضی ہے, وہ ہمیں غدار کہنا چاہے, وہ ہمیں اسمگلر کہنا چاہے, جو ان کی مرضی ہے. مطلب میں جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئی تھی, ڈیٹین ہوئی تھی, بالکل غیر قانونی طور پر ایف آئی اے نے جو مجھے ڈیٹین کیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے تقریباً ہر ٹی وی چینل کے اوپر آ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کوئی کاغذات لے کے, سی آئی اے کے کاغذات لے کر آ رہی تھی اور میں پکڑی گئی ہوں ایئرپورٹ کے اوپر, یا میں کچھ اسمگل کر رہی تھی تو میں وہ پکڑی گئی ہوں. لیکن کسی مطلب ایک دن بعد میری ریلیز ہوئی, کسی میڈیا چینل نے مجھ سے بات نہیں کی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے بعد جب بھی اس کا وہ پورا بیانیہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میری والدہ جب بھی گاؤں میں کسی تقریب پہ جاتی تھی تو عورتیں میری امی کو کہتی تھی کہ تم مطلب کہ ہمیں تو بڑا دکھ ہوا, تم لوگ کی کیا مالی حالت اتنی خراب ہے کہ اب تم لوگ کی بیٹی نے اسمگلنگ کرنی شروع کر دی ہے. اور میری ماں کو کہتی تھی کہ وہ کوئی اسمگلنگ, میری بیٹی کوئی اسمگلنگ کرتے ہوئے نہیں پکڑی گئی تھی, سیاسی معاملہ تھا. تو میڈیا کے اوپر مکمل, ابھی عارف وزیر کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ پورا ریاست کی مشینری ہے, وہ ایک تو پراکسیز آن دا گراؤنڈ پراکسیز استعمال کرتی ہے. مطلب جب ہم اظہار رائے پہ پابندی کی بات کرتے ہیں نا, تو ایک تو میڈیا کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا چینلز پر پابندی ہے. تو اب جیسے سائبر کرائم لا, اچھا جو قوانین اس وقت پاکستان اظہار رائے کی پابندی کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس میں ایک اینٹی ٹیررزم لا بہت بروٹلی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ بات کریں تو آپ کے اوپر غداری کے مقدمے کر دیے جاتے ہیں, ٹریزن کے مقدمے ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر. ہم ایسے میرے سمیت پی ٹی ایم کے بہت سارے دوستوں کے اوپر اس وقت غداری کے مقدمے, ٹریزن کے مقدمے چل رہے ہیں. اس طرح سے آپ دوسرا قانون ہے جو ایف آئی اے کا, جو سائبر کرائم لاز ہے, پریونشن, جو پیکا کے قانون ہے, سائبر کرائم لاز استعمال ہوتے ہیں. اور سائبر کرائم لا میں ایف آئی اے کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ پہلے مقدمہ نہیں کرتی آپ کے اوپر کہ آپ کو گرفتاری سے پہلے ضمانت کا حق مل جائے. جیسے عام طور پر قانون ہے کہ آپ کے پاس پری اریسٹ بیل کا بھی اختیار ہوتا ہے, ایف آئی اے پہلے آپ کو گرفتار اغوا کرتی ہے, اغوا کر کے آپ کی ڈیوائسز لیتی ہے, آپ کو ایک دن حسب جا میں رکھتی ہے, اگلے دن آپ کو عدالت میں پیش کرتی ہے اور ساتھ میں مقدمہ, آپ ایف آئی آر آپ کے ہاتھ تب پہلی دفعہ لگتی ہے جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بڑے وہ بیوروکریٹک لوپ ہولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اغوا ہو جاتے ہیں, 24 گھنٹے آپ کی فیملی پریشانی کی حالت میں رہتی ہے, ان کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ آپ مسنگ پرسن ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا آپ کی فیملی کے ساتھ. تیسرا جو قانون استعمال کر رہی ہے وہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے, جو کہ ڈی سی صاحب ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ڈی سی کے حکم کے اوپر 3 MPO کے اندر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ایم پی او کے اندر عام طور پر دو ہفتے کے لیے جیل میں ڈالا جاتا ہے, لیکن ایسے بھی ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو 6-6 مہینے ایم پی او کے تحت ہی اندر رکھا گیا. 16 دو ہفتے وہ ایکسٹینڈ کرتا جاتا ہے ڈی سی آپ کی گرفتاری کو, اور آپ ڈی سی کے ایک آرڈر کے اوپر گرفتار ہوتے ہیں. تو پاکستان کے قوانین اس وقت جو لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, وہی قوانین ایکٹیوسٹ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دہشت گرد گروہوں کو مکمل آزادی ہے,
اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ سچویشن ہے کہ خاص کر جو پرانے قبائلی علاقے ہیں وہاں پر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، پروسکرائبڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو پاکستان نے لسٹ میں خود ایک کاسمیٹک سی لسٹ بنائی ہیں اور ان کے نام ڈالے ہیں، پوری گروپنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. آپ کو جگہ جگہ پر نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ مارکیٹ میں وانا کے مارکیٹ میں وہ کھلے عام پھرتے ہیں، دوسرے گاؤں میں وہ کھلے عام پھرتے ہیں، وہ ٹارگیٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں، وہ بھتہ خوری بھی کر رہے ہیں. ہمارے اس کورونا پینڈیمک کے بعد کئی ساتھی ٹارگیٹ کلنگ کا آپ نے ابھی بڑا دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائے ہیں گلالی. میں اس میں چاہوں گا کہ آپ نے کہا پینڈیمک کووڈ پینڈیمک جو 19 کا جو پینڈیمک ہے گلوبل ہے اور اس سے پوری دنیا گزر رہی ہے، دنیا اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، لیکن ریاست پاکستان نے اس کو بہانہ بنا کر بلوچستان میں اپنی سرگرمیوں اور اپنے آپریشن کو تیز کر دیا ہے، فاٹا میں اپنے آپریشن کو تیز کر دیا ہے، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، پھر سے بچوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس بار انہوں نے کبھی پولیس کو سامنے رکھا ہے اور کبھی رینجرز کو سامنے رکھا ہے. ساجد بھائی کی جو بات ہوئی بلوچستان میں، میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس کو حادثہ قرار دے رہے ہیں، کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان حیدر بھائی کے پاس کچھ اس کی سنگن ہے، خبر ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ان سے یہ سمجھ لیں کہ یہ ساجد بھائی دیکھیں یہ بہت آپ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح اپسالا وہ گئے اور اپسالا جانے کے بعد وہ وہاں سے مسنگ پرسن کے طور پر ان کا رپورٹ سامنے آئی، پولیس جو ہے وہ ان کو تلاش کرتی رہی، مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہاں موجود ایک تنظیم بھی ان کی تلاش میں لگی رہی، اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو تنظیم کام کر رہی تھی اس نے تلاش کی کہ کسی ریور میں ان کی جو ہے لوکل ریور کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی ملی. پہلے تو یہی کہا گیا کہ اس کو تفتیش کی جائے گی، لیکن اب جہاں تک مرحلہ موجود ہے اس میں بہرحال ان کی جو اٹاپسی کی رپورٹ آنے کے بعد اور ان کی جو بھی تفتیش پولیس کر رہی تھی اس کے بعد پولیس نے اس کو مقدمہ قتل ان کے قتل کے حوالے سے قائم کر لیا. یہاں تک کم سے کم بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کسی طرح ڈوبنے کا کوئی حادثہ نہیں تھا، ان کے جسم پر کسی حوالے سے کچھ ایسے نشانات یا ان کے جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ کم از کم ایسی دستیاب تھی کہ ان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور ان کے قتل کی تفتیش جو ہے وہ انٹرنیشنل معاملات کو دیکھنے والا پولیس کا وہ سیکشن جو انٹرنیشنل کرائم کو دیکھتا ہے وہی اس کی تفتیش کر رہا ہے، کیونکہ بہت سے تک امکانات ہیں جو آپ کی رپورٹر وداؤٹ بارڈر ہے اس نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، جو ساتھی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس معاملے میں پاکستانی اسٹیٹ کے ایسے ایکٹیوسٹوں کے انوالو ہونے کے یا کسی لوکل گینگ کے ذریعے، لوکل مجرم تنظیم کے ذریعے ایسے حملے کو آرگنائز کرنے کے امکانات موجود ہیں. تو وہ انٹرنیشنل کرائم کے حوالے سے دیکھ رہی ہے اس کی، کیونکہ بہرحال معاملہ زیر تفتیش ہے. اس طرح اس کی انہوں نے کوئی ڈیٹیلز بہت ڈائیورج نہیں کی کہ کیا ہیں اور کیسے ہیں اور ان کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے قتل کا مقدمہ درج کیا، لیکن بہرحال قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس کی تفتیش جاری ہے. امید ہے کہ وہ اس کیس کو جلد از جلد نتیجے تک پہنچائیں گے اور بہت کلیئرلی بتائیں گے کہ کون لوگ انوالو تھے، اگر انٹرنیشنل کرائم کا تھا تو کس کس گروہ کی یا کس ایجنسی کی انوالومنٹ تھی اس کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انٹرنیشنلی جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو بہرحال جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان ممالک میں وہ حفاظت کریں گے ان لوگوں کی جو ان کے پاس اپنے سیاسی وجوہات کی بنیاد. ابھی گلالائی نے کہا نا کہ وہ تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ $1,000 میں کسی کو بھی ہم دے کے کرائے کے مرسنری کو آپ کو قتل کرا سکتے ہیں. طاہر بھائی یہ جی. جب سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے تو قاتل بھی کہیں نہ کہیں ہوگا، اور یہ قاتل اس کے کھرے کہاں جا کے مل رہے ہیں، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے ابھی تک تو جیسا کہ سلمان بھائی بتا رہے ہیں سویڈن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اتنا تو پتہ چلا کہ ان کا مرڈر ہوا ہے. اب آپ کی بات کہ اگر مرڈر ہوا ہے تو قاتل تو کہیں نہ کہیں ہوگا، تو اب اس قاتل کی تلاش میں ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہاں کی ویسٹرن ورلڈ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا سیکریسی کے ساتھ مگر ایفیشنسی کے ساتھ کام جاری رکھتی ہیں. اب اس کا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات ایک واقعی پریشانی والی ہے کہ ایک شخص جس کو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے جرنلسٹک کام کے ذمے میں دھمکیاں ملتی تھیں اور اپنی جان کو خدشہ تھا، وہ شخص بیچارہ یہاں ویسٹرن ورلڈ میں آ کے اور سویڈن جیسے پرامن ملک میں اپنی جان کھو بیٹھا. بالکل. تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے،
और बदकिस्मती से जो ये काम करने वाले हैं, या एटलीस्ट ये बात तो तय है कि हम सबको धमकियां मिलती हैं। अभी गुलाल अली बता रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान कौंसलेट के अमले ने न्यूयॉर्क में बाहर निकलकर हरासा करने की इनको कोशिश की, और ये कोई एक ऐसा वाकया यहाँ टोरंटो में हमारे साथ बराह रास्त कौंसल जनरल इस तरह की बदतमीजी किया करते थे। तो इस सारी सूरत हाल में अब हमारा फर्ज क्या है जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं? मैं इस बात पे जोर दूंगा कि हमें इनकी धमकियों को या इनकी हरासमेंट को बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। हमें फौरी तौर पर लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वहां पे रिपोर्ट करवाना चाहिए, ताकि रैकेट रहे कि ये क्या क्या हरकतें करते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई भी सीरियस चीज हो तो एटलीस्ट यहाँ पर तो यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट के इदारों के रिकॉर्ड में हो कि ये इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी दुनिया में कहीं भी हो वो बगैर रैकेट के चीजों को आगे लेकर नहीं चलती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें साजिद हुसैन बेचारे किया जो मर्डर हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में, और जो हम सबको धमकियां मिलती हैं यहाँ पे, और फिर उससे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे अजीजों अकारब बैक होम में रहते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक होता है इस बुनियाद पर कि हम बात खुल के करते हैं। तो ये बातें भी यहाँ के सिस्टम में यहाँ के पॉलिटिशियन को हमें बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इनकी हरकतें बढ़ती चली जाएंगी तायर भाई। और दूसरी बात ये कि सलमान हैदर भाई की तरफ आऊँगा मैं, और ये एक आप एक तजर्बा कार हैं, यू आर एक्सपीरियंस होल्डर, ISI के सेल से आप अपने मेहमान खाने से होकर आए हैं, और आपका कसूर क्या था? आप एक उस्ताद थे, आप एक लिखारी थे, आप एक शायर थे, आप एक अदीब थे, और हर वो शख्स जिसने किताबों के ज़रिए इल्म हासिल किया गया हो उसको उस धरती से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, हर वो शख्स जो गुलाल अली की तरह बात करना जानता हो, जो इंसानी हकूक़ की बात कर रही थी, वो ख़वातीन की बात कर रही थी, वो ऐसे ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे जिस गांव में सिर्फ ख़वातीन रहती थी और वहाँ पे सिपाही आके उनके साथ ज़्यादती की कोशिश करते थे, तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए वो गई थी। तो इन लोगों से इतनी बड़ी न्यूक्लियर स्टेट को क्या ख़तरा लाहक है? सलमान हैदर भाई, सर न्यूक्लियर स्टेट जो है मेरा ख्याल है कि बहुत शदीद किस्म के पैरानोइया का शिकार है, और उस पैरानोइया में उसको ये लगता है कि किसी भी तरह की, मतलब हमारे यहाँ जिस अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि चाहे मजहब का बयानिया नाफिज करने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो सो कॉल्ड खुश जिसे कहना चाहिए आपकी रोशन ख्याली की गुफ्तगू हो, उसको टॉप डाउन नाफिज करने की कोशिश की जाती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में अक्सरियत लोग को मजहब बेजार है या मजहब से तंग आए हुए हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में लोग हमारे यहाँ रोशन ख्याली को भी अगर आप सामने लाने की कोशिश करते हैं तो उसके एक रोशन ख्याली नाफिज की जाए, बजाय इसके कि आप मल्टीपल आवाजों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को सामने आने दें। तो स्टेट ये चाहती है कि वो एक जो लाइन वो लेकर चल रही है उसके अलावा कोई आवाज उभरे ही ना। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, यूनिवर्सिटी टीचिंग में जहां आपको हर मामले को क्रिटिकली देखना होता है, वहां ये मुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ स्टेट की लाइन को लेकर चलें और किसी आइडिया की बात ना करें। मैं अगर जेंडर स्टडीज पढ़ा रहा हूं तो मैं लिबरल फेमिनिज्म की बात भी करूंगा, मैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात भी करूंगा, और मैं हर चीज को पाकिस्तान के माशरे से पाकिस्तान की सूरतहाल से जोड़ के देखूंगा। ये गुफ्तगू इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप किसी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग चाहते हैं कि दुनिया में इवॉल्व हो, आपके माशरे में इवॉल्व हो, तो आप इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते। हमारे शिकार है कि क्लासरूम के अंदर 20 बच्चों के साथ उस्ताद की होने वाली गुफ्तगू के बारे में उसका ख्याल है कि इससे उसके फ्यूचर को खतरा है। जी। इतना शदीद पैरानोइया अगर होगा तो स्टेट यही करती है कि अखबार को भी दबा दिया जाए, सोशल मीडिया को भी दबा दिया जाए, क्लासरूम के अंदर होने वाली बहस को भी दबा दिया जाए, क्योंकि उसको सबसे बड़ा खौफ यह है, वो जानती है कि जिस आइडिया को, जिस चीज को वो पुश कर रही है वो गलत है, उसके पास कोई लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं है उसके खड़े रहने के लिए, उसकी फुटिंग्स नहीं है। लिहाजा हर शह जो, हर बंदा जो सवाल उठा रहा है, हर आदमी जो क्वेश्चन कर रहा है उस चीज को कि ये जबर क्यों है, औरतों पर ये जबर क्यों है, माइनॉरिटीज पर ये जबर क्यों है, अहमदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, शिया के लिए क्यों हो रही है, हजारा क्यों निशाना बन रहे हैं, बलोचिस्तान में लोगों को क्यों मारा जा रहा है, उन सबको खतरा समझा जाता है।
बजाय इसके कि बात की जाए कि हाँ ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, उसके बजाय उन लोगों को निशाना बनाया जाता है सो कॉल्ड पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बताने के लिए कि जैसे अगर मैं नहीं बोलूंगा या गुलाली खामोश हो जाएंगी या कोई कोई लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आज की दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इंडिविजुअल्स को खामोश करके इस सारी गुफ्तगू को रोक सकें, लेकिन रियासत जो है वो शायद पिछली सदी के पहले नस्ल में जिंदा है कि हम चार अफराद को खामोश करवा देगी या पांच अफराद को खामोश करवा देगी तो सब चुप जाएगा, स्टेट में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। अब वो ख्याल नहीं है, सारी दुनिया जुड़ चुकी है और कोई भी कहीं भी रब्ता होता है। हाँ, जैसे बलूचिस्तान में उन्होंने मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट किया है, कोई आवाज बाहर नहीं आने दिया थी, लेकिन उसके बावजूद वो बलोच लोग एक्टिविस्ट, वो बलोच लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो आवाज उठाते हैं, उनके खानदान वहां बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम होता है कि हाँ आज मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे इलाके में क्या वाकया हुआ, और वो आवाज उठाते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस सबको छुपा ले, ढकना रख दे पाकिस्तान के ऊपर, तो आयरन कट कर दे। ये जो सारे उस्ताद हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये जहनों में सवालों को जन्म देते हैं। ये सवालों के जवाब तो नहीं देते हर दफ़ा, लेकिन ये सवाल उठाने की सलाहियत देते हैं, उन नौजवानों को आवाज़ उठाने की सलाहियत दे रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 70 साल बिलियन रुपए लगाए, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कहूँगी लगाए, कि एक ख़ास किस्म की सोच को परवान चढ़ाया जाए, और ये असाज़ा उस ख़ास किस्म की सोच सब पर सवाल उठाकर वो सारा का सारा बजट ज़ाया कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस किस्म की जो पाकिस्तानियत क्या है, ये पाकिस्तानी कौम क्या है, ये द होल मतलब यू नो व्हाट डज इट इवन मीन टू बी अ पाकिस्तानी, तो वो जो चीज़ है ना, वो बड़ा जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत की डेफिनेशन पाकिस्तान में की गई है, वो पाकिस्तान में बसने वाली दूसरी कौमों की शनाख्त को मसख करके की गई है। पाकिस्तान में सिर्फ हमें बलोचों की मशक्कत शुदा लाशें नहीं मिलती, ये वो मुल्क है जहाँ पर कौमों की कौमी शनाख्त को मसख किया गया है, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो सराइकी हो, या वो चाहे वो पंजाबी हो, पंजाबी जबान भी, हालांकि हम कहते हैं पंजाब की बड़ी हेजमनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेजमनी इंजॉय करता है पंजाब, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, लेकिन अगर आप पंजाब की अपनी इंडिजिनस आइडेंटिटी देखें तो पंजाबी जबान को और जो पंजाबी मर्द जो कपड़े पहनते हैं, वो जो लंग पहनते हैं, उसकी तो इतनी बेहरमती, जितनी बेहरमती की गई है शायद उतनी पश्तो जबान की भी ना की गई हो। तो ये मुल्क जो है ना, ये कौमी शनाख्त को मसख करके खड़ा किया गया है। तो जब लोग सवाल उठाएंगे, और उन खासकर उन कौमियतों में, कौमियतों के लोग सवाल उठाते हैं, तो यहाँ पर वो लोग जो इस पाकिस्तानी आइडेंट, जो एक यूनिफॉर्म सी पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की गई, और फिर वो आइडेंटिटी बनाकर सिर्फ एक खास इदारे ने, पाकिस्तानी फौज ने ही सबसे ज्यादा वसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया, तो अब वो जो वसाइल के ऊपर कब्जा है ये भी कौमी सवालों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वसाइल कहाँ से आते हैं, ये वसाइल इन छोटी कौम के जो इस मुल्क में बसे हैं, बलोच बेशक सबसे छोटी कौम होंगे पाकिस्तान के अंदर रहने वाली, लेकिन सबसे ज्यादा वसाइल तो इन्हीं के है ना, चाहे रेकोडेक हो, चाहे सुई गैस हो, चाहे गवादर का पोर्ट हो, या अभी जो सीपेक इनके ऊपर से गुजरेगा, ये वसाइल तो इनके बनते हैं ना, तो ये हक तो इनके ऊपर बनता है। तो जब सवाल होंगे, और खासकर जब वसाइल के ऊपर सवाल होंगे, वसाइल के ऊपर एक इदारे के सवाल के ऊपर सवाल होंगे कि एक इदारे का कब्जा क्यों है, जब कौमियतों के हकूक के बात होंगे, तो इनको लगता है कि जो हमने मस्नूई शनाख्त बनाई थी और एक मस्नूई मुल्क की, एक मस्नूई कौम बनाई है, तो ये सारा तितर बितर हो जाएगा। तो इस डर की वजह से ये सवालों को उठने नहीं देते, और ये इस बात को समझने से आते हैं कि ये मुल्क मजबूत तब होगा जब ये एक फेडरेशन की सूरत में रहेगा, जब यहाँ पर कौमें मजबूत होंगी, जब कौमों के पास कौमी हुकूक होंगे, तो तब ये मजबूत होंगी। तो इनको जो बुनियादी तौर पर हम ये सवाल, ये जो हमारे उस्तादों से हमको खतरा है ना, चाहे वो मेरे वालिद प्रोफेसर इस्माइल हो, या वो सलमान हैदर हो, या वो दूसरे प्रोफेसर हो, ये नहीं चाहते कि लोग सवाल उठाएं, क्योंकि इनका ये बबल कि मस्नूई पाकिस्तानियत, कौमियत का बबल इतना कमजोर है कि ये सवालों से टूट जाएगा। जी, अब मैं ताहिर भाई की तरफ आऊंगा। एक सवाल मेरे जहन में हमेशा
گونجتا ہے کہ 1947 میں ہم نے ایک آزاد سیکولر پاکستان کی بنیاد رکھی، اس میں پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کب شامل ہوا، اس میں پاکستان اسلام کا قلعہ کب بنا، اور اس میں جو ہے وہ خلافت کا جو سلسلہ ہے، مسلم امہ کا لیڈر، مسلم امہ کا قائد، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ انہی باتوں کو نگیٹ کرنے کے لیے استاد سوال بھی کرتے ہیں، ذہنوں میں وہ بیج بھی بوتے ہیں کہ جس سے ہمیں اصل شناخت کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن جو سوشل اسٹڈیز ہمیں پڑھائی گئیں بچوں کو اس دور میں، اور اس کو مسخ کر دیا گیا، ایون یہ کہ محمد علی جناح صاحب کی وہ تقریر کو غائب کر دیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ریلیجن کو، کسی بھی عبادت گاہ کو اجازت ہے کہ وہ یہاں رہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تو ان کے اپنی اولادوں کو جو چار اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا، ہم کون سا نظریہ لے کر آ رہے ہیں؟ کیا پھر استاد پڑھانا چھوڑ دیں کیا؟ دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کے مرز وجود میں آنے کی بات کی، تو پاکستان ہرگز ہرگز کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں بنا تھا، چونکہ جب اس نعرے سے کوئی ریاست بنی ہو کہ ہم ٹو نیشن پر بلیو کرتے ہیں، ہم پاک ہیں اور دوسرے ناپاک ہیں، تو اس کو کسی صورت بھی سیکولر اسٹیٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا، بہرحال اس کی میں اس شو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی سیکولر ہم اسٹیٹ نہیں تھے، اور مسٹر جناح ایک پولیٹیکل جو تھا، برٹن کا ایک پلان تھا، وہ اس کا حصہ تھے۔ بہرحال بن گیا، دنیا میں بہت سارے بلینڈر سے ملک بنتے ہیں، ہمارا بھی بن گیا تھا، مگر اس ملک کے بننے کے بعد اگر ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھتے، اپنے اندر بسنے والی مختلف قومیتوں سے اچھا سلوک رکھتے، تو یہ ملک بہتر طور پر آگے چل سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ جیسا کہ گلال علی نے کہا کہ سارا زور اس بات پر ہے کہ پاکستانیت بنائی جائے، اور جو قومیتوں کا اپنا جو تشخص ہے اس کو مسخ کر دیا جائے۔ میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے یہ بات شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ پنجابیت کو، پنجابی کلچر کو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پنجابی ایلیٹ کلاس، اس پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے، اور پنجاب کی سو کالڈ جو انٹلیکچوئل جو کلاس ہے اس نے پہنچایا ہے، چونکہ انہوں نے ہی ہم سے، پنجابیوں سے، پنجابی تشخص بھی چھینا، پنجابی زبان بھی چھینی، اور پنجابی زبان کو ایک نچلے درجے کی زبان پنجابی ایلیٹ نے بنا دیا۔ اب یہ ایک ایسا بھبل بھوسا ہے جس سے ہم تاریخ کے مختلف اوراق سے گزرتے ہوئے آج تک پہنچے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے ہونے کو مان لیں، اپنے ہونے کو تسلیم کر لیں، اور دوسرے کے ہونے کو بھی تسلیم کر لیں۔ دیکھیے، میں یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا، چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی اور گلال علی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ حنیف رامے صاحب نے اپنی کتاب پنجاب کا مقدمہ میں ایک بڑی اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ پنجابی کیوں دوسری قومیتوں پر پاکستان میں ظلم کرتا ہے۔ پنجابی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنا آپ بھلا دیا، نہ تو ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، نہ زبان کی بات کرتے ہیں، تو آپ پشتون اپنے کلچر کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ بلوچ اپنے کلچر کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ مہاجر یا سندھی اپنے کلچر کی بات کیوں کرتے ہیں، ہم نے بلا دیا، آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو بھولتے؟ تو یہ ہے وہ المیہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو مسئلہ ہے یہ اس بات سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے، میں نے اپنے لڑکپن میں دیکھا، پنجاب میں رہتے ہوئے ایک پنجابی ہونے کے ناطے، کہ پنجاب کی کلچر کی بات کرنے والے دانشوروں کو اٹھا لیا جاتا تھا، ان کو غدار سمجھتے تھے، اٹھانے والے اور پن پوائنٹ کرنے والے بھی پنجابی دانشور ہوتے تھے اور پنجابی ایلیٹ ہوتی تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑا پنجاب کا صوبہ ہے، اس کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کی جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے بلا مبالغہ پورے پاکستان کو ایک بہت ہی زیادہ الجھن کا اور الجھاؤ کا شکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم یہاں باہر بیٹھ کے تو کر رہے ہیں، ان باتیں، ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے ہم پر الزامات بھی لگتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہے کہ اگر انہیں یہ باتیں فیس کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور ان باتوں کو فیس کرتے ہوئے ان کا کوئی سلوشن نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، کیونکہ ہم تو وہاں سے اب نکل ہی چکے ہیں، لیکن اس دیش کو تو آگے لے کر چلے جو پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سندھیوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ جو خوف ہم لوگ
उस धरती पर रहते हुए सलमान हैदर ने, वकास गुराया ने, गुल बुखारी ने, गुल अली इस्माइल ने, ताहा सिद्दीकी ने, मतलब ला तादाद नाम है मेरे सामने, मुझे एक एक दोस्त याद आता है जो उस कर्ब से गुजरा है और फिर उनको वो अपनी गलियां, अपना मोहल्ला, अपने अजीज़ अकारीब दोस्त छोड़ कर आने पड़े। उनके वहाँ पे गैर मौजूदगी में लोगों का इंतकाल होता है, वो दुख शायद कोई और महसूस ना कर सके जब वो अपने प्यारों का ना देख सके। इन लोगों का कसूर सिर्फ ये था कि ये आवाज़ उठाते थे, सवाल उठाते थे बेहतरी के लिए, बुराई के लिए भी नहीं। किसी ने अलहदगी की बात नहीं की, किसी ने तोड़ने की बात नहीं की, लेकिन इन लोगों को सज़ा दी गई, इनको निशाना बनाया गया वहाँ रहते हुए। सलमान भाई, लेकिन जब वहाँ से आप निकल के एक महफूज मुल्क में स्वीडन में आते हैं, आप कैनेडा, नॉर्वे, जर्मनी, न्यूयॉर्क में होते हैं और वहाँ भी आपको बिहाइंड द शोल्डर चेक करना पड़े कि कौन मेरे पीछे चल रहा है, कौन सी गाड़ी आज मेरे घर के सामने खड़ी थी, कौन जो है मुझ पर नज़र रख रहा है, कौन से लोग क्यों मेरी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं, ये सब हमें अगर ये खौफ यहाँ भी है दुनिया में, तो फिर दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस सिलसिले में क्या कर रही हैं? देखिए, ये सूरत हाल जो है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली जो जिस सूरत हाल के बाद फौरी अगर हम उसको देखें तो जो सबसे बड़ी तब्दीली हमें देखने में मिलती है वो जो सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं उनके कत्ल के बाद से मिलती है। एक तरह का जिसे कहना चाहिए वो हिंट था शायद बहुत सारे ममालिक के लिए जो जबर के जरिए अपने पॉपुलेशन को दबाना चाहते हैं, जो अपने स्टेट के नरेटिव से मुख्तलिफ किसी आवाज को उठने नहीं देना चाहते। ये उसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए उनके लिए इशारा था, उनके लिए एक इंसेंटिव था कि हाँ ये भी किया जा सकता है, ये भी एक तरकीब है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जाहिर है उसके बाद बहुत से ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट ने, बहुत से ममालिक के सो कॉल्ड हिफाजती इदारों ने इस काम इस लाइन पर सोचना शुरू किया और शायद उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमें साजिद का केस भी नजर आता है। बहुत से ममालिक में जहां इंटरनेशनल लेवल की वो लड़ाइयां चलती नहीं है वहां पर सीक्रेट एजेंसीज के एजेंट्स के हवाले से तो ऐसी मल्टीपल इत्तलात पहले माजी में भी हमें देखने को मिलती रही है कि रूस का कोई सीक्रेट एजेंसी का मेंबर था, उसे किसी ने अमरीका की सीक्रेट एजेंसी ने निशाना बनाया वगैरह वगैरह। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको, सहाफियों को, ये इस वो टैक्टिक्स जो एक दूसरे ममालिक के एजेंट्स के सीक्रेट एजेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे माजरत खाओ, उन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने की ये एक नई लहर शुरू हुई है और ये अदनान खशोगी के मामले के बाद से शुरू हुई है। इसकी तरफ आज जैसे आपने भी जिक्र किया कि कोविड की वजह से आजकल दुनिया जो है वो सारी की सारी हेल्थ इमरजेंसी में पड़ी हुई है और ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और ये सब कुछ बंद है मतलब था। लेकिन इस सूरत हाल में दुनिया को इस तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर आप एक फर्द जो आपके पास पनाह लेता है अगर उसकी हिफाजत नहीं की जा सकेगी तो फिर इन केसेस को संजीदगी से लेना पड़ेगा और इनके पीछे जो मुल्क अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनके नाम सामने लाने पड़ेंगे ताकि उनको तंबीह हो और आइंदा वो इस तरह के हथियार, इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर जिस हाल इसी तरह चलते हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप एक मुख्तलिफ चीज होता है, बिल्कुल स्टेट टू स्टेट का रिलेशनशिप रहेगा हमेशा, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल को जो दूसरे मुल्क के अंदर पनाह लिए हुए है उस स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप का निशाना बनने देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आवाज उठाने वालों के लिए कोई मुल्क भी महफूज नहीं रहेगा। जो एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स का एक ईरा था उससे हम शायद आगे चले जाएंगे और फिर लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस सूरत हाल में उनके लिए शायद कोई भी मुल्क महफूज नहीं है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां बैठकर वो अपने हकूक की बात कर सकें। अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो शायद फिर गुफ्तगू का मरहला बिल्कुल मुनक़ता हो जाए या मुनक़ता ना भी हो तो जबर का सिलसिला इतना बढ़ जाए कि उसके लिए आवाज उठाने फिर कहीं भी जो सूरत हाल ये होगी उसको रोकने के लिए हम तमाम एक्टिविस्ट को ही मिलकर कुछ आवाज उठानी पड़ेगी ताकि हुकूमतें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, स्टेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो इन लोगों की तरफ हैं पूरा करें। अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करेगी उन लोगों की तरफ जो उसके पास सियासी बना लेते हैं तो उसका नतीजा इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा कि जो डिसेंट है वो खत्म होगा और डिसेंट खत्म होने से माशरे सोसाइटीज डिके करती हैं। आपके पास अगर जब तक क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी आइडियाज की, जब तक आप किसी बेहतर चीज का की तवक्को नहीं कर सकते आपके माशरे भी, जब वो माशरे अगर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो माशरे खुद भी डिके की तरफ जाएंगे और गले में सड़ेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ये मैं जानना चाहूंगा गुलाल आपसे
कि वहाँ पे जो मौजूद अभी एक इदरीस कटक, एक बहादुर लिखारी, एक जर्नलिस्ट, उनको गायब कर दिया गया और वो उनकी बेटी अब अपने वालिद की तलाश में है। उसने आर्टिकल भी लिखा, उससे काफ़ी हर मची, यानी कि जब दुनिया को पूरा हिला दिया गया उसके बावजूद भी रियासत अभी तक उसको बाजियाब नहीं कर रही है। ये एक मिसाल है, ऐसी कितनी ही मिसालें हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि इस कदर ढिटाई है हमारे रवैयों में कि हम अपने लोगों को उठाते भी हैं और फिर उनको अदालतों में पेश भी नहीं करते। ये आपने इदरीस खटक साहब के बहुत अहम मामले की तरफ इशारा किया है। इदरीस खटक साहब को अब 6 महीने पूरे हो गए हैं कि रियासत उन्हें गायब कर चुकी है और किसी किस्म की इतला उनके ऊपर नहीं है। उनका ख़ानदान हाई कोर्ट भी जा चुका है, वहाँ पर भी केस दाखिल कर चुका है, लेकिन अदालत की तरह से भी उनको सिर्फ वही तारीख तो बदलती रहती है, नई नई तारीखें मिलती हैं, लेकिन किसी किस्म की सुनवाई उनकी वहाँ पर भी नहीं हुई। और उनकी बच्चियाँ, उनका ख़ानदान एक कर्ब से गुजर रहा है। जाहिर बात है, आप एक दिन उठे और आपको पता चले कि आपका वालिद, आपके किसी लव्ड वन को गायब हो गया है, आपको एक्सेस खत्म कर दी जाए, आपको कुछ ना पता हो कि साल में, ये बड़ा कर्ब का मामला होता है। और मेरे वालिद साहब सिर्फ 24 घंटे आए थे और हम जिस कर्ब से गुजरे, मैं समझ नहीं पाती कि लोग कैसे महीनों महीनों उस कर्ब से गुजर पाते हैं और उसका वो मुकाबला बहादुरी से कर पाते हैं। बहुत बहादुर हैं दिलीप साहब की बेटियां, लेकिन क्यों अभी तक इतनी जगह पर स्टेटमेंट इशू हुए, इंसानियों की तंजीमों ने स्टेटमेंट इशू किए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्टेटमेंट इशू किया, बहुत एक मामूली सा, उसके वो टूथलेस कमीशन जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत टूथलेस कमीशन था, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आपकी कहीं पर भी सुनवाई ना हो तो आप वहाँ पर एक दरख्वास्त लेकर चले जाते थे, वो एक दो दफ़ा कुछ ना कुछ आपको मतलब कोई खत ही लिख देते थे, कमीशन की तरफ से एक खत ही चला जाता था कि इस बंदे की हरासमेंट बंद कर दो। तो आपने वो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का गैर फाल हो चुका है, तो ये कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिल्कुल पूरी नहीं कर रही। और वो किसी किस्म के पाकिस्तान के ऊपर जो और मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए, जो मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं लग रही, इस वजह से बिल्कुल खुला हाथ मिला है। यूरोपियन यूनियन ये समझने से कासिर है कि जो आज़ादाना तिजारत के लिए GSP+ स्टेटस दिया है, इससे पाकिस्तान में गरीबों की कोई मदद नहीं होने लगी है, इससे सिर्फ जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं वो जो टैक्स और जो पैसे हैं उस आखिर में जाकर सारा फौज ही को मिलना है और उससे नए टैंक और नए बॉम्ब और नए मिसाइल बनने हैं, वो किसी की तरक्की के ऊपर, किसी की तालीम के ऊपर नहीं लगना। अगर इस मुल्क पाकिस्तान की कोई भी दिलचस्पी होती कि यहाँ लोगों की तरक्की हो जाए तो कुछ 13-14 बिलियन रुपए जो थे, जो कि फाटक के तरक्याती फंड था, वो फाटक की तरक्की, एक्स फाटक की तरक्की पर ही लगता, लेकिन हमने देखा कि बिलियन ना 13-14 बिलियन रुपए थे तक, अमाउंट शायद मुझसे गलत हो रही हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पैसों की वो लेकर फौज को दे दी, फौज के ऊपर लगाने के लिए। अभी भी फौज कहती है हमारी 20% तनख्वाह ज्यादा कर दो कि हम बहुत गरीब हैं। अब जबकि वसाइल सेहत के ऊपर लगने चाहिए, लोगों के सेहत के ऊपर, एक ऐसे वक्त में भी हम सेहत के ऊपर वसाइल नहीं लगा रहे हैं, हम फौजियों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी तमाशाई बनी हुई है। देखिए, ये वाकई ही एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारे जो बैक होम के इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं वहाँ पर ऐसी गंभीर सूरत हाल नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा करता रहता है हिंदुस्तान के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में किस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं की जाती, कभी सरकार की तरफ से, कभी रियासत की तरफ से, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कभी किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं होता। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बात को किसी और तरफ ले जाएंगे, लेकिन चूंकि आपका सवाल ऐसा है उसमें ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक में कहीं भी ऐसी बुरी सूरत हाल नहीं है। और बदकिस्मती से 21वीं सदी में इमरान खान की इस गवर्नमेंट में, जिसमें वो नए पाकिस्तान का दावा सुबह शाम करते हैं, उसमें प्रेस की जो आज़ादी की सूरत हाल है, सहाफ़ियों की जो अबतरी का जो मामला है, उनके ऊपर जो दबाव है, वो शायद ज़ियाउलहक के ज़माने से भी बदतर है। मुझे याद है कि मैंने अपने जर्नलिज्म का आगाज़ ज़ियाउलहक के दौर से किया था, हम लोग उस वक्त यंग थे तो हम बहुत कूड़ा करते थे, लेकिन मुझे वो अब अच्छी तरह याद है कि उस वक्त से ये ज़माना जो है नए पाकिस्तान का, नाम निहाद नए पाकिस्तान का जो ज़माना है, वो इतना बदतर हो गया है कि अब तो रियासत की तरफ से वो, जैसे सलमान हैदर भाई ने कहा कि पूरे बलूचिस्तान के मसाइल ब्लैकआउट हैं, PTM के मसाइल ब्लैकआउट हैं, अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर और नाम पब्लिश नहीं हो सकता।
यानी हद हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज को इस बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि ये इतना सीरियस मामला, इतना बड़ा ऑफेंस है, इतना बड़ा क्राइम है कि मतलब प्रेस पर इतनी पाबंदियां मैंने पाकिस्तान में पहले नहीं देखी। बड़े बड़े बुरे हालात देखे हैं, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन पाकिस्तानी प्रेस। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चैनल दस्तियाब होते हैं वो यही होता है कि जब स्टेट जो है वो फर्द के खिलाफ जबर करे तो अदालत में चला जाए। अब आपके सामने जिस तरह गुलाली ने बताया कि लोग जो है वो अदालत में मिसिंग पर्सन के कमीशन में सालों से चक्कर काट रहे हैं, कोई किसी फर्द का पता नहीं चलता, कोई अदालत जो है वो किसी इस तरह के जराइम में मुलव्वस किसी एजेंसी के डायरेक्टर को या उसको तो क्या किसी छोटे से छोटे अहलकार को बुलाकर नहीं पूछ सकती कि हो क्या रहा है, कहाँ है ये लोग, किसने इन्हें गायब किया, इन्हें कब से, कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं है आपकी जबरी गुमशुदगी की, किसी कोई फर्द को आज तक सजा नहीं हुई कि मुझे 20 दिन रखा गया तो कौन से अफराद मुलव्वस थे, इसकी कोई तहकीकात नहीं होती, उसके बारे में कोई पूछता नहीं, किसी ऐसे फर्द को सजा नहीं होती जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो, उसके बाद आपके पास क्या रास्ता रह जाता है कि आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात करने के अलावा करें। बिल्कुल, अगर अदालत आपको रिलीफ नहीं देगी, अगर आपकी जो स्टेट के क्राइम्स हैं उस पर अदालत स्टेट को नहीं पूछेगी तो आपके पास क्या रास्ता है इसके अलावा कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जाएं और वहां ये बात उठाएं कि देखिए स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। अगर अदालत ये फंक्शन कर रही हो तो फिर हमें जरूर किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अदालत जाऊं और मैं अदालत को बताऊं कि हाँ फला वक्त मुझे फला जगह से उठाया गया, आप एक जिम्मेदार पुलिस अफसर को मुतय्यन करें कि वो तफ्तीश करे कौन लोग थे और लेके आए। लेकिन मसला ये है कि ना पुलिस उन लोगों को हाथ डाल सकती है ना अदालत उनसे पूछ सकती है, तो फिर क्या किया जाए सिवाय इसके कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करें और वहां पर आवाज उठाएं कि उनको दबाव डालने की जरूरत है कि इन मामलों को हल किया जाए। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, गुलालाई आपकी आवाज सुनी जाती है जहाँ आप बैठी हुई हैं, अमरीका में मेन न्यूयॉर्क है और वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करती हैं, उन लोगों की इस बारे में, इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय है, और क्या कोई ऐसा, जैसे मेरा वही सवाल कि इसको मसले के किसी हल की तरफ हम जा सकते हैं कभी फ्यूचर में? देखिए, इस मसले का एक ही हल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान को कई दफ़ा कह चुकी है कि ये कानून जो है तो ये अप्लाई कर लो अपने मुल्क में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रा एक कदम आगे जाने की ज़रूरत होगी और बताना होगा कि अगर तुम लोग नहीं, आलमी मुआहदों की पासदारी नहीं करते, हम एक ग्लोब मतलब दुनिया में ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से, और एक मुल्क में अगर इंसानी हकूक का इस्तेहसाल होता है उसका असर पूरे रीजन के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर होता है, तो ये कोई आइसोलेशन में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस नहीं होते, ये पूरे माहौल में होते हैं और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का किरदार है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले, अगर मुआशी पाबंदियों की ज़रूरत पड़े, इकोनॉमिक पाबंदियों की, तो उसके ऊपर भी जाना चाहिए दुनिया को। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको हमारे जो इंसानी हकूक का एजेंडा है उनको ऑन करना होगा। अगर सियासी पार्टियाँ इस इंसानी हकूक के एजेंडे को ऑन करती हैं तो ही कोई असलन तब्दीली, कोई पायदार तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। अब मिसाल के तौर पर जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब तो ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की बात करते थे, लेकिन जब से ये खुद हुकूमत में आए हैं तो तब से इन्होंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर बात करना छोड़ दी है। शीरी मजारी साहिबा ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीर शुरू में की थी पार्लियामेंट के अंदर और उससे हमें बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब जो है कोई कानून साजी होगी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ, लेकिन आज तक इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हुई। पिछली हुकूमतों में भी सिर्फ प्राइवेट बिल पेश हुए, किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई जो हुकूमत में होती है उसकी तरफ से बिल नहीं पेश हुआ कि भाई इन मसाइल के ऊपर कानून साजी करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी सियासी पार्टियाँ इस वक्त वो कॉम्प्लिसिट हैं इस क्राइम में, लोगों की इजहार राय के ऊपर जो पाबंदियाँ लग रही हैं, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है, जो टारगेट किलिंग हो रही है, हमारी सियासी पार्टी को मैं इसमें पार्टी समझती हूँ, मुलव्वज़ समझती हूँ, क्योंकि उनके पास जब इख्तियार होता है या इवन जब अपोजिशन में भी होती हैं तो हमारे इंसानी हकूक के लिए नहीं खड़ी होती, वो इस उम्मीद पर होती हैं कि हम पार्लियामेंट में फौज ही कह रहे मुकर्रम के ऊपर हैं तो हम फौज को खफा ना करें, तो फौज को खफा नहीं किया जाता लेकिन आवाम के जो है आवाम को खफा कर दिया जाता है, हमारा इस्तेहसाल हो जाता है। हमारी सियासी पार्टियों को एक कदम आगे जाना होगा, उन्हें ये मसाइल ऑन करने होंगे और उन्हें पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर कानून साजी करनी होगी। नाज़रीन, ये हमारा आज की डिस्कशन और इसका मकसद यही था कि हम किसी न किसी तरह उस मसले के हल की जानिब बढ़ें जो कि हमारी जड़ों में बैठ गया है। हम परवरिश लौह कलम करते थे लेकिन अब वो लौह कलम भी खून में डूब गए हैं।
अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं, हमारे पास लापता लोग हैं, मिसिंग पर्सन हैं, उस्तादों की बेतौकीरी है, और ये सब कुछ हो रहा है और इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा। हम आवाज़ उठाएंगे, ये दुनिया भर में आवाज़ उठाई जाएगी, यहाँ पे कोई किसी मुल्क दुश्मन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि यहाँ पे अपने हक जो कि आईने पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो उस पे बात करना हम सबका हक है और हम बात करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस फारूकी का प्रोग्राम यहीं तक था, इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक हैव योरसेल्फ अ ग्रेट इवनिंग। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.